एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करना चाहिए। ट्विन फ्लेम को सोशल मीडिया से ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें और आपके ट्विन फ्लेम आपको भूल जाएंगे। यू आर वन कॉन्शियसनेस एंड आर नेवर ब्लॉक्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन इन द हायर रैम्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने की सोचकर ही बहुत से डिवाइन फेमिनिन घबरा जाती होंगी कि अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर डीएम कांटेक्ट कैसे करेंगे, कहीं हमें भूल गए तो मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। पहले के ज़माने में भी ट्विन फ्लेम होते थे, पर तब मोबाइल था नहीं, फिर कैसे वो रियूनाइट होते थे? कांटेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके हैं। अगर डीएम कांटेक्ट करना चाहेंगे, कोई और ना कोई कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में वो कर सकते हैं, जैसे किसी और से मोबाइल लेकर या किसी और मोबाइल या और सिम का यूज़ करके, राइट? ब्लॉक करना एक मैस्कुलिनिटी शो करता है, मीन्स यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन हिज एनर्जी, ऑन योर ट्विन फ्लेम्स एनर्जी। ब्लॉकिंग योर ट्विन फ्लेम कुड बी अ शिफ्टिंग ऑन टू योर डिवाइन पाथ, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी है। नहीं तो वही सेम साइकिल जहाँ डिस्ट्रेस, को डिपेंडेंसी एंड हार्ट ब्रेक्स आर देयर, ठीक है ना? ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने की हिम्मत जैसे ही आप में आ जाती है, तब से आप और आपके ट्विन फ्लेम डायरेक्टली सोल लेवल से बातें करना कंप्लीटली शुरू करते हैं, जिसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आफ्टर ऑल, दिस कनेक्शन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, नॉट एन ऑर्डिनरी सोल जर्नी। और जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, कनेक्शन में मास्टरी हासिल नहीं कर लेते, देयर विल नेवर बी अ 3D रिलेशनशिप विथ योर ट्विन फ्लेम। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और अभी भी अगर आप यही सोच रहे हैं कि कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक कर सकते हैं, भले ही आपके ट्विन आपको ब्लॉक किए हुए हो या फिर जर्नी में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, एक स्टक एनर्जी है, फिर भी आप डीएफ ये सोच रही हैं कि कैसे आपके ट्विन फ्लेम आपको अप्रोच करेंगे, देन आई हैव टू से यू आर स्टिल डीलिंग विद को डिपेंडेंसी एंड अटैचमेंट। एंड व्हाट इज अटैचमेंट? अटैचमेंट ईगो स्टेट ऑफ माइंड है। व्हाट इज को डिपेंडेंसी? ये भी ईगो स्टेट ऑफ माइंड है। योर शेयर्ड सोल इज कनेक्टेड येट नॉट अटैच्ड। क्या आपको ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करना चाहिए? इसका आंसर है, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अगर आप अब भी उनका उनकी डीपी स्टेटस या वो क्या पोस्ट डालते हैं उसको आप रेगुलर चेक करते हैं, अगर आप में पीपल प्लीजिंग हैबिट अभी भी बाकी है एंड यू हैव ट्रबल सेइंग नो, देन ब्लॉकिंग विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करते हैं तो इधर उधर के मैसेजेस या स्टेटस आपको ट्रिगर नहीं कर पाता और आप सिर्फ अपने इनर सेल्फ पर फोकस रह पाते हैं, एंड देन योर ट्विन फ्लेम रीयूनाइट यू इन 3D इन डिवाइन टाइमिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करना एक पावरफुल टूल है टू एक्टिवेट योर इनर मैस्कुलिन। ऐसे में आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, अपने हीलिंग पर ध्यान दे पाते हैं और नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ ब्लॉक करने के पीछे आपका इंटेंशन खुद की हीलिंग करना ही होना चाहिए, ना कि ट्विन फ्लेम को हर्ट करना या उनकी बराबरी करना। फिर वही ईगो माइंडसेट हावी हो गई अगर इस माइंडसेट से, इस इंटेंशन के साथ आपने ब्लॉक किया।
जब आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तब आप कोडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। कोडिपेंडेंट किसके? आपके ट्विन फ्लेम के एनर्जी के लिए, आपके ट्विन फ्लेम के साथ के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए। एंड बिलीव मी, दिस इज ऑल्सो सेल्फ लव दैट इवेंचुअली अलाउज यू टू गिव योर ट्विन द बेस्ट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ व्हाट इज लेफ्ट ऑफ यू। आप पीपल प्लेजिंग हैबिट में अभी भी अगर हैं, अगर अभी भी ट्रैप्ड हैं, जैसे जब आप खुद ही डैमेज स्टेट में हो, लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टेट, तो ऐसे में अपने ट्विन फ्लेम को कंफर्ट देना या उनके लिए टाइम निकालना, तो ऐसे में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कीप इन माइंड यू आर स्पिरिचुअल ट्विन्स, यू आर वन कॉन्शियसनेस। आपको परमानेंट रियूनियन के लिए यू हैव टू बी अलोन, आपको अपने डीप डाउन इनर वर्ल्ड में जाना ही होगा। जब आप अपने माइंड को मास्टरिंग करना सीख लेते हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक करना सीख लेते हैं, देन यू कैन मैग्नेटाइज योर ट्विन परमानेंटली। जो कदम आपने अच्छे के लिए उठाए हैं ना, ये सोच के कि आपको इवॉल्व होना है, आपको जो भी आपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो अनलॉक आपको करना है ताकि आप ह्यूमैनिटी के काम आ पाए, आप यकीन मानिए उसमें ईश्वर भी आपके साथ खड़े होते हैं। तो आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक कर देने पे वो कैसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको भूल गए, तो आप शायद भूल रही हैं या भूल रहे हैं। जेंडर रिगार्डलेस, मैं फिर से बोल दूं, ये एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है। फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, ये डिवाइनल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सोल जर्नी है। इसमें आपके साथ हर कदम कदम पे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड खड़े रहते हैं। और जो कदम आपने अच्छे के लिए उठाए हैं, जिससे न सिर्फ आपकी अच्छाई, आपके ट्विन फ्लेम की भी अच्छाई, साथ ही आप यकीन मानिए उसमें ईश्वर का साथ, आपके ईश्वर का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा। बिकॉज इन ट्विन फ्लेम जर्नी योर ट्विन वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन योर ओन सोल, बिकॉज दैट्स वेयर ही इज। तो क्या आपको आपके ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करना चाहिए? ये था मेरा वीडियो, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। मैंने सोचा आज इस पर वीडियो बनाए। आज पूर्णिमा भी है, मुझे उम्मीद है आपने मेरा 3-4 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उसको फॉलो आप सबने किया होगा। साथ ही आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एस्ट्रोलॉजर टू। अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग या लव रिलेटेड रीडिंग या करियर रिलेटेड रीडिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं कि नहीं, अपने जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो फर्स्ट ट्विन फ्लेम या कामिक पार्टनर तो नहीं, और आप सिर्फ उनको ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, बिकॉज देयर इज थिन लाइन गैप बिटवीन कामिक पर्सन एंड ट्विन फ्लेम। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए, आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर, जो कि आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दो चीज़ों का, डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं मैसेज का आंसर जरूर दूंगी। और साथ ही पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग में टाइम लगता है तो एनर्जी लगती है, इसलिए ये पेड होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।